आपने कभी सुना होगा ऐसा कि ऐसा कोई गांव भी है जहां पर कि 100 से ज्यादा परिवार सिर्फ गोलगप्पे बनाते हैं, मतलब घर में उनको बनाते हैं, फिर उनको होलसेल में भी सेल करते हैं, और अगर उनको खुद से भी उनको सेल करना होता है, मतलब उनका दुकान लगाना होता है, तो वो भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक गांव है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जैसे बंगाली में गोलगप्पे को कहा जाता है फुचका, तो वेस्ट बंगाल में ऐसा एक गांव है जिसका नाम अभी पड़ चुका है फुचका ग्राम। तो हम ना पूरे एपिसोड में इसको फुचका कहकर ही पुकारेंगे। तो मैंने ना यहाँ पर एक ब्लॉग करने गई थी, मैं जनवरी या फरवरी में गई थी, उस वक्त काफ़ी ठंड थी। तो मैंने सोचा ना कि बाकी वेस्ट बंगाल के बाहर के लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, तो मैं ना आपको भी इसका एक झलक दिखा दूँ कि एक गाँव में 100 से ज़्यादा परिवार सिर्फ गोलगप्पे बनाकर अच्छी खासी ज़िंदगी बना रहे। तो हम ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाय द वे, आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना है, बंगाली चैनल में मैंने इसका पूरा ब्लॉग बंगाली में अपलोड कर रखा है, तो उधर ना मैंने डिटेल में मैंने रास्ता बताया है कि किस तरीके से आप किधर से भी आना चाहो, तो मैंने पूरा रोड उधर डिटेल में बताया हुआ है। तो हम ना अभी पहले एक घर में आ चुके हैं, और आप बस देखो कि इतने सारे गोलगप्पे क्या आपने कभी देखे हैं। उस दिन ना मैंने इतने सारे गोलगप्पे देखे जितने कि मैंने अभी तक के ज़िंदगी में पूरा मिलाकर भी इतने सारे गोलगप्पे नहीं देखे थे। तो इस गांव में ना सारे लोग गोलगप्पे बनाते हैं, मतलब ऐसे आप देख रहे हो ये सारे होलसेल में जा रहे बहुत दूर दूर। तो इनकी ज़बानी मैंने सुनी कि ये जो फुचका ये जिस तरीके से बनाते हैं ना, मतलब जो गोलगप्पे ये जिस भी तरीके से बनाते हैं, इसको अगर पैकेट में अच्छी तरीके से बांध के रखा जाए तो ये हफ्ता भर ख़राब नहीं होता, इसी तरीके से ना ये होलसेल भी कर पाते हैं। तो चलो अभी ना मैं आपको घर के अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर घर के बड़े बुज़ुर्ग जो बच्चे होते हैं वो भी काम में हाथ बटाते हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या ये पढ़ाई करते हैं, तो सब ने बोला कि हम पढ़ाई भी करते हैं पर पार्ट टाइम में हम इनके जो उनके मॉम डैड है या उनके अगर दादी नानी भी ये काम करती है तो वो उनका हाथ बटा देती है, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप पढ़ने के साथ साथ अपने फैमिली बिजनेस में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हर तरफ ये बेल कर रखा जा रहा है, बंगाली में इसको कहते हैं बेलना, ये जो रखा जा रहा है इसी को कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसके बाद ना क्योंकि इनको फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त था क्योंकि अभी भी ये बेल ही रहे थे, तो हम ना निकल गए एक और घर के लिए। तो ये जो ब्लू शर्ट में जो बच्चा दिखा ना, ये आगे चल के हमें रास्ता दिखाने वाला था, क्योंकि मैं भी ढूंढ रही थी ना कि गांव से कोई मिले जो कि हमें मदद कर सके कि किस घर में हो रहा है किस घर में नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो एरिया बिल्कुल नया था, मैं आज से पहले कभी भी नहीं गई थी। तो वो इस बच्चे का नाम है प्रेम, बहुत ज़्यादा क्यूट है, और उसने खुद ही बोला कि चलो हम आपके साथ चलते हैं और आपको पूरा गांव घुमा कर दिखाते। फिर ना हम उसके पीछे पीछे हम चलने लगे जहाँ उस दिन ना ज़्यादातर लोगों ने नहीं बनाया था, अब लोगों के ऑफ डे भी होता है, किसी भी रीज़न से उस दिन नहीं हो रहा था। तो फिर ना हम घूमते घूमते उस घर में आ गए हैं जिस घर से कि इस बिज़नेस की शुरुआत हुई थी इस पूरे गाँव में। तो ये घर है एक बुज़ुर्ग इंसान के, हम बड़े पापा को ऐसे बंगाली में कहते हैं जेठू, तो मैं भी उनको जेठू ही कह रही थी। इनका नाम है बोलाए गायन। तो इन्होंने ना सबसे पहले 30 साल हो चुके हैं इन जेठू को, इन्होंने 30 साल पहले इस फुचका बिजनेस का शुरुआत किया था, और इन्हीं को देखा देखी ना इनको देख कर ही पूरे गाँव में अभी 100 से ज़्यादा परिवार इसी बिज़नेस को कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले वो इंसान है जिन्होंने इस बिज़नेस को इस गांव में ऐसे शुरू किया था, और जबकि लोगों ने देखा कि इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है, ठीक ठाक चल रहा है, तो लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो जो भी ब्लॉग करने जाते हैं ना इस जेठू से ज़रूर मिलते हैं, और मैंने भी उनसे काफ़ी सारी बात की क्योंकि वो बंगाली में बात कर रहे थे, तो मैं वो आपको नहीं सुना सकती। अगर आप वो सुनना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे बंगाली जो ब्लॉग है उसको आप देख सकते हो एक बार मेरे बंगाली चैनल में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ मेरी क्या बातचीत हुई। आपको शायद इतने हद तक इतने ज़्यादा अमाउंट में फुचका या गोलगप्पे कभी नहीं दिखेंगे, वो ना इस तरीके से बेल के रखा जाता है, जहाँ जहाँ पर भी आपको फुचका नहीं दिख रहा है ना कपड़ा दिख रहा है, मैं बता दूँ उसके नीचे भी फुचका है, क्योंकि यानी कि वो बेल के रखा जाता है, क्योंकि उनको ढक के रखा जाता है क्योंकि फिर वो सूख ना जाए। तो आप देख रहे हो घर में हर जगह, इवन मैंने देखा कि बाथरूम के पास भी बिल्कुल फुचका बेल कर रखे गए थे, सिर्फ आपके बेड को छोड़कर बाकी कोई सा भी हिस्सा बाकी नहीं था, हर जगह पे हो रहा था। तो इसी के साथ साथ ना उनके बेटे ने ऊपर इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था,
और मैंने ना कभी इतने अच्छी तरीके से ऐसे फ्राई करते हुए कभी देखा नहीं था। मैंने ना आज से बहुत साल पहले एक बार गोलगप्पे ट्राई किए थे और वो बिल्कुल नहीं फूले यार। मैंने बिल्कुल रेसिपी देखकर ही ट्राई किए थे, वो बिल्कुल नहीं फूले। आखिरकार ना वो पूरी जैसा हो गया था। तो हमने ना जो आलू बनाया था, जैसे हम पूरी और सब्ज़ी नहीं खाते, आखिरकार हमने उसको ऐसे खाए थे। तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। हालांकि उसके बाद मैंने कभी हिम्मत करके ट्राई नहीं किया है। और मैं बस यू नो मेरा मुंह खुला का खुला था जब मैंने इतनी अच्छी तरीके से उनको फूलते हुए देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, पर वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो फिर ना हम घूमते घूमते एक और घर में गए। तो जैसे बड़े पापा को हम कहते हैं ना कि जेठू, तो जो बड़ी मम्मी होती है, जैसे ऐसे आस पड़ोस में हम तो ऐसे पुकारते ही हैं, हमारे बंगाल में ऐसे ही होता है। तो ये एक जेठी माँ है, क्योंकि हम बड़ी मम्मी को जेठी माँ कहते हैं। तो ये लेडी ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। उन्होंने हमें नो पानी पीने को पूछा, उन्होंने हमें बैठने को पूछा, सब कुछ पूछा और बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बात कर रही थी। और वो चाह रही थी कि हम भी थोड़ा सा उन्हें ब्लॉग में दिखाएं, क्योंकि उनका घर ना थोड़े से अंदर में था। तो जो भी सारे ब्लॉगर्स आते, क्योंकि ब्लॉगर्स के थ्रू भी ना काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं इनको, तो इनके पास ना वो सारी चीज़ें नहीं आती। और मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई, उनके हार्टशिप के बारे में बताया। तो मैंने ना इनका नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। आप अगर यू नो वेस्ट बंगाल से हो, आप किसी भी कारण से यू नो फुचका आप लेना चाहते हो या कुछ भी, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हो। मैंने उसीलिए उनका नंबर लिया था और मैंने उनके परमिशन से ही उनका नंबर मैंने अपलोड किया है, तो आप देख ही सकते हो। और फिर ना मुझे पता चला कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे फुचका बर्बाद भी हो रहे हैं और इनसे ना इनको कुछ भी मुनाफा नहीं मिल रहा। आप देख रहे हो ये जो भी बर्बाद हो रहे हैं उनको वो चूल्हे में झोंक रहे हैं, क्योंकि वो फिर किसी काम के नहीं रहते। तो इतने सारे बर्बाद हो रहे हैं और अगर मुनाफा नहीं मिलता है, इतने मेहनत के गरीब लोग भी होते अगर फुचका बना रहे, इसका मतलब ये नहीं तो कि सभी अमीर होंगे। तो इसके बाद ना हम और किसी घर में नहीं गए, बस इसके बाद कुछ साइट सीन करने निकल गए। तो गाइज इसी के पास ना एक रिवर साइड है और अच्छा खासा आपको घूमने का यू नो सारा बंदोबस्त मिल जाएगा। मैंने देखा कि लोग यू नो पिकनिक मनाने भी आ रहे, कपल्स को भी मैंने देखा घूमते हुए। तो सारा इंतज़ाम है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो है जिसके लिए मैं उछलते कूदते यहाँ आई थी, कि यहाँ ना हमें नाव पे बैठने को मिलेगा। मैंने ना कभी भी नाव पे नहीं बैठा। तो इस जगह पे ना दो मंदिर है दोनों साइड में। तो ये एक शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर पहले से ही था पर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मुझे लगता है कुछ और मूर्तियाँ लगेंगी जो कि अभी तक भी सेट नहीं है। तो आप जब तक जाओगे तब तक मुझे लगता है कि ये सब ठीक हो के बन जाएगा। बिल्कुल इसी मंदिर के ऑपोजिट में है यू नो ग्राउंड के उस तरफ है भवतारिणी माँ की मंदिर। भवतारिणी माँ हम काली ठाकुर के जो अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, उसमें से एक नाम है भवतारिणी। तो आप इसको एक काली मंदिर समझ सकते हो। तो इसके अंदर ना बाय द वे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो फिर भी ना वो हमें अभी पता चला जब मैं अभी सीढ़ियों से उठ रही थी ना, तो एक महाराज जी ने बोला कि फ़ोटो मत लो। तो फिर भी ना मैंने कुछ छुप छुपा के भवतारिणी माँ के कुछ एक फुटेज मैंने ले ली है, और क्योंकि आपको कुछ तो दिखाना था। तो काफ़ी डर भी लग रहा था कि किसी ने अगर पकड़ लिया तो मतलब क्या ही इज्जत रह जाएगी। तो मैंने ना थोड़ा सा झलक इसके ले ली है, आप भी थोड़ा सा दर्शन कर लो। इसके बाद ना हम उस काम के लिए गए जिस काम के लिए मैं उछलते कूदते आई थी, जिसके बारे में अब तक मैं बता रही थी कि यू नो नाव में बैठना। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, थोड़ा सा डर लग रहा था पहले कि चढ़ूँ कैसे। फिर ना ये जैसे जेठू है, इन्होंने हमें यू नो हाथ पकड़ के उठाया। मुझे और तान को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम तो उछलते कूदते पहुँच गए। तान की मम्मी एक जगह बैठ के रो रही थी कि मुझे नहीं जाना। फिर हमने ना उनको किसी तरीके से हाथ पकड़ के उठाया। इस राइड में ना मुझे लगता है कुछ 150 या 200 रुपये लगे होंगे और 15 मिनट तक उन्होंने घुमाया, जो कि 15 मिनट मुझे लगा कि 5 सेकंड में ख़त्म हो गए। मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन इसमें सफ़र कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तान को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर मैं आपको दिखा नहीं सकती कि तान की मम्मी की क्या हालत थी। वो एक जगह सिमट के बैठी थी। मैंने बोला कि मेरी कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़ तो ले लो, वो भी उनसे नहीं लिया जा रहा है, एक जगह चुपचाप से बैठी थी। तो इस चक्कर में मैंने अच्छी से फ़ोटो भी नहीं ले पाई। बाय द वे हमने इस राइड को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मुझसे ज़्यादा इन्जॉय किया इस बच्चे ने यानी कि तान ने। और इसके बाद ना हम जो माझी भाई थे उनसे भी हमने काफ़ी बात की, फिर भी वो बात भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो भी उन्होंने बंगाली में कहा। तो उसको जानने के लिए भी आप मेरे बंगाली ब्लॉग को एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो गाइस फुचका ग्राम में आए हैं और बिना फुचका खाए चले जाए, ये तो एक तरीके का इंसल्ट ही है।
तो हमने फिर ना गंगाधर में ये जो भैया थे उनसे हमने फुचका लिया, उनसे खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने कुछ यू नो 4-5 साल बाद में फुचका खा रही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, और क्योंकि मुझे पेट में कुछ अल्सर टाइप का कुछ हो जाता है, तो मेरे लिए बिल्कुल ही मना किया गया है डॉक्टर ने कि आप बिल्कुल भी बाहर का कुछ नहीं खा सकते। मुझे हर एक चीज़ चुन चुन के बहुत खाना पड़ता है। तो इनका नंबर भी मैं स्क्रीन पर इनके यू नो परमिशन से दे रही हूँ, सबका परमिशन से ही उनका नंबर दिया जा रहा है। आखिर में ना वो सबसे मीठा पार्ट, क्योंकि भोग इतना ज़्यादा अच्छा था गाइस, तो हमने ना भवदानी माँ के मंदिर में भोग खाया। इसके लिए भी हमें शायद एक एक प्लेट का कुछ मैं शायद अगर गलत ना हूँ तो 50 से 60 रुपये पड़े होंगे एक एक प्लेट का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि इस तरीके की जगह में प्रसाद का प्राइस तो होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि खर्चा तो होता ही है, पर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यू नो गरीब लोग अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो आसपास के अगर बेगर्स है तो वो भी इसी मठों के सहारे ही रहते हैं कि हमें दोपहर में पेट भर के खाना मिल जाएगा। पर अगर प्लेट यू नो वैसे 50-60 रुपये में होंगे तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर ना हमने ये नंबर का भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि यू नो अगर आप जाना चाहो तो पिछले दिन भी बुकिंग किया जा सकता है। तो फिर हमने खाया, बाय द वे भोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ये लास्ट फुटेज है क्योंकि इसके बाद हम निकल रहे हैं और कुछ भी दिखाने का नहीं है, सब बहुत ज़्यादा टायर्ड है। हम सुबह के 8 बजे निकले हुए हैं और अभी ना कुछ 4:30 या 5 बज रहे होंगे, हमें घर पहुँचते पहुँचते भी 2 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपको एक नई चीज़ जानकर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसे क्योंकि और भी ब्लॉग और स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बेल बटन को ज़रूर हिट करना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। चलो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़रूर फॉलो करना। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और इधर ना मुझे कुछ यू नो अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले, उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई है, बहुत बच्चे बच्चे क्योंकि मंदिर आए थे तो इसलिए इन्होंने साड़ी पहना था, ये सब स्कूल में है, सब 7, 8 में, 6 में ऐसे है, तो मुझे बहुत सारे नए नए दोस्त मिले। तो बाय, ओके गाइज, बाय 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 बाय।